भाजपा के आगुओं वालों बेतुकियां की जा रही बयानबाजियों के खिलाफ जलंधर च प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके प्रैस वार्ता करते हुए किसान आगुओं ने कहा कि बीजेपी के आगुओं वालों गलत बयानबाजी करके पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि किसान दिल्ली च पिकनिक मना गए हैं, जिसके विरोध में उन्होंने वालों पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जिन्होंने किसानों से FIR दर्ज की गई जे 6 तरीक तक वापिस ना ली गई तो वह 7 तरीक न जलंधर के रोड रोकणगे। इस दे नाल ही उन्होंने तीक्ष्ण सूद खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। पिछे मेन मकसद यो है कि जिहड़ियां बीजेपी के आगू वार बार इहोजियां बयानबाजी करके ना पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिवें कि उहदी कड़ी विच तीक्ष्ण सूद भी आउंदा है। उन्हें जिहड़ा बयान दिता कि पंजाब के किसान जिहड़े दिल्ली पिकनिक मनाउण जांदे ने उहदे विरोध में अज्ज असीं इत्थे पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम देण आए हाँ प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 6 तरीक तक अगर जिन्हां किसानां ते इन्हां ने FIR की 307 ते होर संगीन धारावां दे हेठ वह 6 तरीक तक वापस नहीं लैंदे तो 7 तरीक नूं असीं जलंधर के रोड रोकांगे। तो आने वाले दिनों में जे इहोजी है जिहड़े 307 के परचे जिहड़े वापस नहीं लैंदे जे उहदे ते बनदी कार्रवाई नहीं करदे तो 6 तरीक 7 तरीक नूं असीं जलंधर के रोड रोकांगे। तो इहोजियां ट्रालियां बीजेपी के घर अगे असीं नित प्रति पेश करांगे ते जिहड़े परचे 307 दे शायद इन्हां दे कुछ रहिंदे ने। जे इहो जी लोकतंत्रिक देश विच इहो जीआं गल्लां हुंदियां ने कि ट्राली सिटण ते इरादा कतल दीआं संगीन धारावां हेठ परचे दर्ज हुंदे ने ते फिर असीं भी तैयार हां इहो जिहे परचे करवाउण लई। सानूं डर नहीं परचिआं दा, सानूं सिर्फ इक्को है कि पंजाब दा माहौल शांत रहना चाहीदा। असीं इन्ने दिन दा टाइम भी तां दित्ता क्योंकि असीं नहीं चाहुंदे कि पंजाब दा माहौल इहनां दीआं बयानबाजियां करके होर खराब होवे। असीं 6 तरीक तक पंजाब सरकार नूं दिने कि जिहड़ा दर्ज परचा उन्होंने रद्द करके ते तीक्ष्ण सूद के खिलाफ बनती कार्रवाई करे। सर बीजेपी नेता ये कहना कि वह किसानों नाल है, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भड़का रही है, ऐसे सब कुछ करते पे ने? नहीं, राजनीतिक पार्टियां तो असं पहला ही उन्होंने कोई राजसी बंदा अज तक ना बोलिया तो ना उन्होंने असं बोलन देवे। ये पिछे कोई यहोजी मंशा नहीं, सिर्फ तो सिर्फ जेडे बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। पंजाब का जिहड़ा सुखावा माहौल है, आपसी भाईचारक सांझ बनी हुई है, बहुत सुखावा माहौल है, उन्होंने खराब करने हित तो साडा अंदोलन फेल कर लिए इहोजी घटिया किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं जो बहुत निंदन योग है। इन्हों इस तरह की बयानबाजी तो बाज आना चाहिए तो आने वाले दिनों में जो इहोजी बयानबाजी तो बाज ना आए तो कोई होर तिखा प्रोग्राम पंजाब हो। सर पूर्व मंत्री मनजन कालिया ने जो तीक्ष्ण सूद वाली घटना किसानों दोषी ठहराया है। तीक्ष्ण सूद मैं पहला भी दस चुका प्रैस कॉन्फ्रेंस में कि अज के दिन 3 मौत 3 किसान शहीद होए ने, 1 टिकरी ते 2 सिंघू बार्डर ते। इहोजे विच इहोजी बयानबाजी देना कि पंजाब के किसान पिकनिक मनाउण गए ने ते अपने आप विच ही एक किसानां दे रोह नूं होर भड़काउण दी एक गल है। तो उहदे विच शुरू विच ही इहदे ते परचा दर्ज हो जाना चाहीदा सी तीक्ष्ण सूद ते। जे कानून अनुसार बिल्कुल वधिया तरीके नाल इत्थों दा राज प्रबंध चल रहा हुंदा ते उह नहीं होया ते किसानां दे रोह ने इह जो कीता इह कारवाइयां कीतियां इहोजीआं होणियां कारवाइयां सुभाविक ने। पर असीं इहनां दी खुलेआम ये नहीं कहिंदे कि बिल्कुल सही है, पर इहोजीआं कारवाइयां होणियां सुभाविक ने जे तुसीं लॉ एंड आर्डर की स्थिति नूं कायम नहीं रखदे। जलंधर तो रवि गिल दी रिपोर्ट। हुण समस्या भावे कोई भी होवे तां इधर उधर ना घूमो क्योंकि श्री हरि ज्योतिष केंद्र करनगे तुहाडी हर समस्या दा हल। तुसीं रोंदे होए आओगे ते हसदे होए जाओगे। जेकर तुहाडा पति प्रेमी जां बेटा किसी दे बस विच है तां घबराओ ना, प्यार विच धोखा खादे प्रेमी प्रेमिका जल्द संपर्क करन, असीं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगे। परेशानी भावे किसी भी प्रकार की होवे उसका हल जरूर हुंदा है, नतीजा तुहाडियां अक्खां दे सामने आएगा। जिवें वशीकरण लव मैरिज कोर्ट कचहरी विच जित विदेश यात्रा कर्जे तो छुटकारा कारोबार विच काटा बीमारी विच दवा ना लगना पति पत्नी विच अनबन कीता कराया रुसे प्रेमी प्रेमिका नु मनाउणा व्याह विच माता पिता नु मनाउणा आदि हर समस्या दा हल पंडित विनोद शर्मा जी करनगे। एक फोन तुहाडी बदल सकदा है जिंदगी, अपने सारे कष्टां तो छुटकारा पाउण लई हुणे फोन करो 98 881 4194।